इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट कोर्सेज. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Hi everyone, welcome back to our channel. Myself Namisha and myself Madiha. जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में स्टूडेंट्स को मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट मोर. इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए हम लेके आ गए हैं एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक. एंड आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम IIIT DM के नाम से भी जानते हैं. एंड अगर हम इसके कैंपस की बात करें तो हम चेन्नई, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कोर्सेज, एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन क्राइटेरिया, placements, facilities, and in the end we'll also talk about the overall review about the institute. So अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए. एंड इन केस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ फॉर मोर सच अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट करियर ऑप्शंस, कोर्सेज एंड लॉट मोर. ऑल्सो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि यार ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया ना, ये आपको उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड लिंक जो भी इस चैनल के अंदर आ रहा है आपको वहाँ पर मिल जाएगा. कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे IIIT DM के बारे में जो चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है. AICTE अप्रूव्ड है, एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2007, यानी कुछ इसको 13 साल हो चुके हैं. ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड ये नहीं करता है. एक जो बात करें तो पब्लिक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये बेसिकली. सो अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक कोर्स की जो ये ऑफर करता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन विच इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, जो कि 4 स्ट्रीम से अवेलेबल है, लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech प्लस मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी MTech. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी MTech, जो कि 4 स्ट्रीम से अवेलेबल है, लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड इंजीनियरिंग. अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें देन इट्स मास्टर्स ऑफ डिजाइन MDes. और यहीं अगर हम नेक्स्ट लास्ट कोर्स की बात करें देन इट्स PhD विच कम्स विद 5 स्ट्रीम्स लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. तो ये तो हो गए कुछ बेसिक कोर्सेज. अब हम बात कर लेते हैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया की. So talking about the admission process as well as the eligibility criteria here. So the eligibility criteria is very simple, जो basic होता है. अगर हम bachelor's level की degree की बात करें तो अगर आप BE/BTech कर रहे हैं तो आपका complete होना चाहिए 10+2 from a recognized board. But minimum aggregate marks जो आपसे expect कर रहा है वो है 75% for the general category and 5% less for the ST/SC and OBC category. वहीं अगर आप post graduation कर रहे हैं तो आपका masters का course है, तो आपका bachelor's level degree check out करेंगे, यानी अभी graduation कैसा रहा है, 10+2 कैसा, उसके स्कोर कैसे रहे, 75% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं या नहीं, उसके बेसिस पे आपको एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाती है. PhD में आपका मास्टर्स चेक किया जाता है, बैचलर्स चेक किया जाता है, एंड एडिशन टू दिस आपका 10+2 भी चेक किया जाता है. तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन, फिर उसकी काउंसलिंग होती है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, IITs, JEE जो होते हैं ये सारे एक्सेप्ट करता है. JEE मेन्स, गेट की अगर हम बात करें तो आपके मास्टर्स लेवल पे गेट एक्सेप्ट किया जाता है, BE/BTech के लिए आपका JEE मेन्स, देन BTech प्लस MTech लैटरल भी अगर आप कर रहे हैं तो JEE मेन्स देखा जाता है, MTech में भी आपका गेट जैसे एग्जामिनेशन के स्कोर पे एडमिशन मिलता है. और भी मास्टर्स लेवल डिग्री की अगर हम बात करें तो गेट, UGC, CSIR, NET, NBBM जैसे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है. उसके काउंसलिंग प्रोसीजर के बाद अगर आप रेलेवेंट होते हैं, अगर आपका स्कोर रेलेवेंट होता है तो स्टूडेंट्स को एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है. सो अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की विच इज़ प्लेसमेंट्स. यार इन्होंने क्लेम तो काफ़ी कुछ करके रखा है इनकी वेबसाइट पे. वहीं अगर हम बात करें इनके हाईएस्ट सैलरी पैकेज की तो जो इन्होंने क्लेम कराया, जैसे कि उन्होंने क्लेम कराया इट वेंट अप टू 51 to 52 LPA. यार क्लेम तो कुछ भी कर सकते हैं वेबसाइट पे. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वेबसाइट पे कॉलेज वाले काफ़ी कुछ क्लेम कर देते हैं, मगर इसकी रियलिटी कभी कभी कुछ और होती है. तो अगर आपको इसी रियलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वायरी हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं और हमारे काउंसलर्स आपको पर्सनली गाइड करेंगे. सो जैसे कि हम बात कर रहे थे इनके हाईएस्ट पैकेज सैलरी की, वहीं अगर हम एवरेज सैलरी पैकेज देखें तो उनका गया 4 to 5 lakhs पर एनम. और काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट कंपनीज आ चुकी हैं इस इंस्टीट्यूशन में फॉर प्लेसमेंट्स. जैसे कि इन्होंने क्लेम करा है, there were 95 plus companies जो इनके इंस्टीट्यूशन में आ चुकी हैं for placements. So if I name some of those companies, they are Amazon, MathWorks. अगर हम Amazon की बात करें जो इन्होंने highest package जो इन्होंने offer करा है for students, they are 20 lakhs. अगर हम MathWorks की बात करें तो they have offered 12 lakhs. वहीं अगर हम PayPal Private Limited की बात करें तो they have offered 10.5 lakhs. वहीं अगर हम Trimble की बात करें then they have offered 9.5 लाख का पैकेज. वहीं अगर हम TVS Motors की बात करें they have offered 6.8 lakhs per annum का पैकेज. ऐसी कई सारी कंपनीज आ चुकी हैं इस इंस्टीट्यूशन में फॉर प्लेसमेंट. सो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वायरी आ रही हो या कुछ और भी पूछना हो प्लेसमेंट से रिलेटेड या इसकी रियलिटी से रिलेटेड, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं. आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं. नाउ हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होती है जब वो यहाँ पर आ जाएंगे. तो अगर आप सोच रहे हो आपको यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं, या बाहर से आ रहे हैं, तो मैं बता दूँ स्टूडेंट्स को यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज मिल जाएगी. इन एडिशन टू दिस यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स, जिम, मेडिकल, कैफेटेरिया, लेबोरेटरी और टूरिज्म जैसी बेसिक फैसिलिटीज स्टूडेंट्स यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं. फाइनली अपने फाइनल सेगमेंट पे आते हैं, रिव्यू सेगमेंट पे, जहाँ पे हम 6 पैरामीटर्स पे इस इंस्टीट्यूशन को जज करने वाले हैं एंड जानने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशन बेसिकली है कैसा, किस बेसिस पे. अगर हम बात करें तो अकेडमिक्स, अकोमोडेशन, फैकल्टी, सोशल लाइफ, प्लेसमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का कैसा है, अब आपको समझ में आ जाएगा इस रेटिंग से. ना ये रेटिंग किस बेसिस पे, तो मैं बता दूँ काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमको रिव्यू फॉर्म भर के दिया है इसका. उसके कलेक्टिव डेटा के हिसाब से हमने अपना फाइनल रिव्यू प्रिपेयर किया है. 1 से 10 के रेशियो में हम इसको रेट करने वाले हैं. अकेडमिक्स की बात करें तो वी आर रेटिंग 8 out of 10. पढ़ाई के हिसाब से हम बात कर रहे हैं क्योंकि यार बहुत सारी ट्रिपल आईटीज भी हैं इसके कंपैरिजन में जो यहाँ पे आपको जो आपको डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स ऑफर करती हैं. अकोमोडेशन की बात करें तो हम 7 out of 10 इसको रेट करें बिकॉज ऑफ द रिव्यूज दैट वी हैव गॉट. फैकल्टी की बात करें तो आपको काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिल सकती हैं यहाँ पे 7.5 out of 10 हम इसे रेट करते हैं. सोशल लाइफ की वी आर रेटिंग 8.5 out of 10. वहीं अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार क्लेम तो काफ़ी कुछ किया गया है, बट रियलिटी क्या है, वहाँ जाने के बाद क्या ये सच्चाई मिलेगी, 50 लाख का LPA क्या रियलिटी है या नहीं. सो उसके बेसिस पर अगर हम अभी भी इसको जज करें तो वी आर रेटिंग 7 out of 10. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 8.3 out of 10 स्टूडेंट का भी इसको रेट करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग. अगर इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वायरी हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं एंड विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली तो यार प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस वाज मी निमिषा जाने विद मारिया खान signing off from today's episode. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.